लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में शुरू हुए आम महोत्सव में 700 से ज्यादा किस्मों के आम रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश से काफी संख्या में लोग इस महोत्सव में पहुंच रहे हैं। इसका मकसद इलाके में उगाए जाने वाले आमों की अलग अलग प्रजातियों को बढ़ावा देना है, साथ ही राज्य में आम की पैदावार और इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। इसमें जो हमारी 3 दिवसीय प्रदर्शनी है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के जितने हमारे सेंटर हैं या जो जिले हैं 75 जिलों से, वहाँ से पूरे सभी जिलों से आया है। खास करके जो औद्यानिक प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र है जो हमारा लखनऊ में है, मलियाबाद, पश्चिम में सहारनपुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बस्ती में, और आप बुंदेलखंड रीजन में झांसी, इन सारे सेंटर से आम के वो आए हैं संकलन। इस भारत सरकार का जो संस्थान है हमारा CISS केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान, वहाँ से भी अकेले के 600 से भी ज़्यादा प्रजातियों का डिस्प्ले किया गया है। पड़ोसी देश नेपाल के कुछ किसानों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। किसानों ने इस आयोजन के लिए सरकार का आभार जताया। उनका मानना है कि इससे किसानों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में जो ये आम महोत्सव आज से चल रहा है, इसके जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ देखने के लिए आए। जो नवा वैरायटी जो देख रहे हैं हम, बेहद अच्छा है, किसान के लिए बहुत बढ़िया है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आयोजन किया, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को हार्दिक बधाई देते हुए, जो किसान के लिए हो रहा है इसके लिए सभी को हार्दिक धन्यवाद देंगे। हमने भी कई आम यहाँ दिए हैं प्रदर्शन में, नई नई वैरायटी हमने तैयार की, लेकिन हमारा कहाँ लगा है हमको पता नहीं है। तो अच्छा उत्पादन कर रहा, बड़ा लाभ है इससे, बहुत बड़ा आम से। हम लोग काफ़ी समय से, पुरानी बाग थी, नहीं उत्पादन के लिए, अभी 3-4 साल 5 साल से हम लोग, जब से मोदी जी और सरकार भरते हैं, इसमें हम लोग बहुत लाभ मिला, मनोबल बढ़ा, बहुत अच्छा उत्पादन करने लगे। कॉम्पिटिशन में हम लोग भी आए मैदान में कि आएंगे, हम भी उतरेंगे और तैयार करेंगे अच्छे बागवानी। महोत्सव में मौजूद लोगों ने प्रदर्शनी में रखे आमों और उससे बनी खाने पीने की चीजों का मजा लिया। ये आम महोत्सव शनिवार तक चलेगा।